लो जी, ये बाहर खजान का मौसम शुरू हो चुका है। ये पत्ते देखें, ये कैसे पत्ते बिखरे हुए हैं। ये जनाब ऊपर दरख्त देखें, ये दरख्त पे जो है ना ग्रीनरी बहुत कम है, खुश्क हो रहे हैं पत्ते और नीचे झाड़ रहे हैं। तो मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ मौसम है ना, वो जनाब खजान का ही है, क्योंकि कल से पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प पे लोग गए हैं तो आप हम देखते हैं मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प पे जाके कि मिल रहा है कि नहीं। ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, पेट्रोल कल से मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो बहुत थोड़ा। तो इधर अली भाई काम कर रहे हैं, अली भाई से बात करते हैं। अली भाई क्या कर रहे हैं आप? तो अगर आया थोड़ा सा टाइम तो पेट्रोल डलवाने चलें, ज़रा देखते हैं। चलो जी, गाड़ियों की लाने लगी और पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये देखे बैरियर लगे हुए, बच गई, पेट्रोल मिल ही जा गई। आज का मौसम ऐसा है कि मोटरसाइकिल से निकलने का बहुत मजा आता है, ठंडा ठंडा मौसम। ये जनाब ये देखेंगे ट्रैक्टर ट्रालियां लगा के बंद किया हुआ, कोई पेट्रोल नहीं दे रहे, ये बंद पड़ा हुआ। वो दो गाड़ियां लगी हुई हैं, वो मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, ये गाड़ियां ऊपर करके बंद। अब जनाब शहर की तरफ जाने लगे हैं, बाहर के तो सारे पेट्रोल पंप देख लिए, कोई पेट्रोल पंप जो है ना पेट्रोल नहीं दे रहा, सिर्फ इस वजह से कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है। जी कॉलेज चौक, कॉलेज चौक से हम सीधा मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। अब जी जनाब आने लगा है पेट्रोल पंप, अटक है ये अटक पेट्रोल पंप 8 नंबर चुंगी, देखते हैं इधर भी मिलता है कि नहीं। और जनाब यहाँ भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कोई पेट्रोल नहीं दे रहे। तो जी शहर में कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो हम वापस आप घर की तरफ जा रहे हैं कि जो बचा है ये भी कहीं ख़त्म ना कर लें। तो हम वापस के लिए टर्न ले रहे हैं, वापसी कॉलेज चौक। ये जनाब योग आ गए, ये जी हम घर आ गए और अल्लाह खैर रखे पेट्रोल नहीं मिला। अच्छा अली ये बताओ यार, पेट्रोल ना मिलने की वजह क्या है? पेट्रोल ना मिलने की वजह यही है कि जखीरा अंदोजी हो रही है। हाँ। तो उस वजह से लोगों ने प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाने हैं, ये की वजह से रेट ऊपर जाएगा। नहीं, ये पेट्रोल ना देने का सबब गवर्नमेंट है या के पेट्रोल पंप मालकान है? ये ज़्यादातर तो मालकान है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि पेट्रोल बिके और पैसे वगैरह जो है वो लोगों को सहूलत मैसर हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि अभी इनके पास पेट्रोल है तो ये इनका ही कारकर्दगी है। ये जनाब अली भाई पेट्रोल ढूंढने के बाद दोबारा अपने उसी काम पे लग गए हैं जो काम छोड़ के गए थे। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये गवर्नमेंट का कसूर है कि लोगों का कसूर है।
आप खुद लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा किसका कसूर है। हाँ, ये कमेंट्स में हमें बताएं। हाँ जी, कमेंट्स करके बताएं कि किसका कसूर है।